कैसे हो भैया आप? कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम आपको दिखाएंगे पूरा वेस्ट ऑफ वंडर। जा रहे हैं इधर से। अच्छा, वेल्डिंग का काम चल रहा है। और दिवाली जैसा सीन है और मच्छर इतने आ रहे हैं ऊपर। तो यहाँ से ये एंट्रेंस है, काफी सही है। अगर आपको पार्किंग लगानी है तो आपको इसी रोड पर लगानी पड़ेगी। और ये खुला होता है 11 बजे तक। कितने बजे तक? 10 बजे? 10 बजे, 9 बजे, 9 बजे। एक बता भाई कोई सा। 9 बजे। पक्की बात है? लड़ाई करो, चलो लड़ाई करो साथ में। तो ये 9-10 बजे बंद हो जाता है, तो इससे पहले ही आ जाना सही रहेगा। बाकी अंदर जाके बताता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने की अच्छी या नहीं, वो अंदर जाके पता चलेगा। अभी पहली बार आ रहे हैं हम दोनों। मेरे साथ है भाई यश जी। जी कह दे मैं आते भी। जी कह दे। और यहाँ पे तो अभी कंस्ट्रक्शन चल भी रही है। अच्छा, पुल वुल निकल रहा है यहाँ पे, तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन एंट्रेंस है। और एंट्रेंस का गेट तो यूं ही लगा रखा है, सारे में खुला पड़ा है बिल्कुल। ये देखो कितना खुला हुआ है। और पब्लिक तो यहाँ खूब आ रही है, पब्लिक ही पब्लिक है। और अभी शाम का मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वाइब्स अच्छी आ रही है शाम को। दोपहरी में तो बहुत गर्मी रहेगी, बहुत कैडी ही गर्मी होगी दिन में, तो इसलिए अवॉइड करें दिन में आना। ये देखो यहाँ पे फैमिली शूट्स चल रहा है, काफ़ी सही है। फैमिली ज़्यादातर यहाँ पर आई हैं। और यहाँ पे पहले एंट्रेंस पे ही आपको मिल जाता है फाउंटेन, जिसमें की लाइट तो अभी नहीं जल रही है। और काफ़ी गोवा वाले पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सही है। लाइटिंग वाइटिंग तो सही कर रखी है वैसे। और MCD में परिवर्तन इस बार, केजरीवाल या मोदी, या कमेंट करके बताएं भी मुझे कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। और ये तिरंगे के झंडे वाले कलर भी लगा रखे हैं MCD में, तो काफ़ी सही है। और यहाँ पे भाई जो हैं वो यहाँ पे ये सिखा रहे हैं झूला झूलाना। कितने का है ये गाड़ी में? 50 का है। कितने देर? देर नहीं, फाउंटेन के 2 राउंड। फाउंटेन के 2 राउंड? तो भाई इतना छोटा सा फाउंटेन है, इसके 2 राउंड है इतने में बस। बताओ यार क्या महंगाई चल रही है आजकल, इतनी महंगाई में घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कौन सा एनिमल है ये पीछे? ये कौन सा एनिमल है? ये तो डायनासोर। डायनासोर लग रहा है। हाँ, और इस डायनासोर के अंदर भी जा सकते हैं, जैसे कि ये बच्चे जा रहे हैं बहुत सारे अंदर, ये तो अभी जाके देखेंगे। और यहाँ पे ट्रेन भी आ चुकी है। वो भाई ट्रेन में घूमने के कितने पैसे हैं? गुटका है मुंह में। ईच पर्सन 100 रुपीज। ओके ओके थैंक यू। तो भाई ईच पर्सन 100 रुपीज, एक बंदे के 100 रुपये। और यहाँ से मतलब अभी तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से टिकट भी लेनी पड़ती है, तो अभी हम टिकट ले लेते हैं। जाओ यश जी टिकट लीजिए। बिलिसली कैश गाड़ी में रखा है, गाड़ी से लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ कैश ही चलता है। ओह नो, दिल्ली सरकार को बोलना पड़ेगा। तो भाई ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है, क्योंकि यहाँ पे चलता है सिर्फ कैश। कैश चल रहे हैं, लेके आते हैं कैश, लो ले जाओ। तो ये दिक्कत वाली बात है, ये कैश लाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के ज़माने में यार बताओ, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकती। ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए हर जगह, क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन ही रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। भैया यहाँ पे वॉशरूम है ना? हाँ ठीक है। और यहाँ पे वॉशरूम भी बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं वॉशरूम है। तो आते ही सीधा एंटर होती वॉशरूम चले जाओ, फिर जाओ अंदर से मज़े से। तो यहाँ पर लगा सकते हैं पार्किंग, ये है पूरी पार्किंग, ये है मेन रोड। यहाँ से पूरा ये पुल जा रहा है, पुल से नीचे ले लेना है आपको, और यहाँ पे सीधा आके आ जाएगा। है पर्सी ले ले, पड़े होने चाहिए वैसे तो इसमें। हाँ पड़े हैं यहाँ पे। वैसे गाड़ी पार्किंग के चार्जेस भी हैं 60 रुपये, वो आपकी मर्जी है देना चाहते हो या नहीं। और यहाँ पे थोड़े खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं, मतलब कुछ कुछ हैं, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स भी हैं, तो यहाँ से आप खा भी सकते हो वैसे तो। और यहाँ ऊँट भी है, ऊँट भी सही है। तो हमारा टिकट आ चुका है। टिकट कैसा दिखाई देता है? उल्टा है। ये है टिकट, मंडे को ये क्लोज रहता भाई, ट्यूसडे से सैटरडे 50 रुपये, संडे 100 रुपये। तो ये है यहाँ का प्राइस। और बच्चों के हैं 3 साल से 12 साल तक 25 रुपये ट्यूसडे से सैटरडे, और संडे को है 50 रुपये बच्चों के। और अभी यहाँ पे थोड़ा धुआं जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा धुआं भी छोड़ दिया है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
तो यहाँ पर शाम के समय भी काफी लोग आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये है यहाँ से एंट्रेंस। चलो अब चलते हैं अंदर, एक जय माता दी का नारा लगा दे चलते हुए, लगा दे जल्दी तेज से, जय माता दी। हाँ जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। तो यहाँ पे एंट्रेंस पर आते ही बना हुआ है पिरामिड, पिरामिड बना हुआ है। और यहाँ की खासियत बात यही है, क्या बात है यहाँ की खासियत, वेस्ट से बना रखा है। हाँ वेस्ट से बना हुआ है यहाँ पे सब कुछ, जैसे कि ये वेस्ट लोहा है, ये लोहा लोहा मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ज्यादा जंग भी लग रही होगी। इजिप्ट के पिरामिड, इजिप्ट ला दिया गया है अब दिल्ली में, दिल्ली में सारी चीजें मिल जाएंगी अब, सब 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 दिखा देंगे अभी तुम्हें। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ये पूरा। कैसा लग रहा तुझे देख के वैसे? टेढ़ा सा लग रहा है। टेढ़ा सा लग रहा है यार, टेढ़ा सा लग रहा है वैसे। मतलब चलो बनाई है कुछ चीज, लेकिन सीधी तो बनाओ, सीधी तो बनाओ यार, कम से कम लगाए तो सीधा तो हो। पता ना कैसे कैसे तो बना हुआ है, टेढ़ा बना दिया बताओ। तो यहाँ पर नेचर जो है ना वो काफी अच्छे से रखा हुआ है, पीपल का पेड़, ये झाड़ियाँ, ये काफी मतलब ग्रीनरी एकदम टॉप नोच है। तो यहाँ पे आके नेचर वाली फील जो है ना वो तगड़ी आएगी, और ऊपर से मॉन्यूमेंट्स भी हैं। और एक और हमें यहाँ पे मॉन्यूमेंट दिखाई दिया है जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है यहाँ पे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। अच्छा जबी तो मैं सोचू इसके ये सीन से क्या बन रहे हैं वल्लभ भाई पटेल पे, क्या सीन से बना दिए। तो यहाँ पे ट्रेन भी जाती हुई, तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, काफी सही है। अभी यहाँ पे इस पे लाइट थोड़ी कम डाल रखी है, दिखाई कम दे रहा है, वैसे सही है, काफी अच्छा है। और अभी हम उसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे कि हर एक यंगस्टर का सपना होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे लाके प्रपोज करे। लेकिन इतने इससे पहले यहाँ आए, इससे पहले ब्रेकअप हो जाता है बेचारे लोग। मेरा अब मेरा समझ लेंगे ऐसे बोलूँगा तो, वैसे बहुत सारे लोगों का होता है, मेरा तो नहीं है भाई। इससे पहले लड़की धोखा दे जाती है। हाँ सही है वैसे तो। हाँ अगर किसी को पेरिस घूमना है 50 रुपए में तो आ जाओ जल्दी। कैसी लग रही इमारत, क्या बोलना चाहेगा, कैसी है इमारत? है तो अच्छी। कैसा लग रहा है अभी, जैसे हमारे अभी आधा घंटा हो चुका है मैं आए हुए, कैसे ही फीलिंग आ रही है? बढ़िया, ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर आ गए हम तो बिहार। आईफिल टावर के सामने इसको ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जन्नत वाला गाना इसके मन में चल रहा है। जन्नत सी लग रही है कुछ। और यहाँ पर ऐसी सिटिंग एरिया भी बना रखा है, और थोड़े नकली से डियर वियर से भी बना रखे हैं, तो यहाँ पे बैठ के आप चिल कर सकते हैं। नकली तो ही है, नकली है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ बुद्ध भगवान की मूर्ति। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, आज क्यों रहा है? लेकिन ये जैकेट क्यों पहन रखी है बुद्ध भगवान ने? ठंड लग रही है। अच्छा ठंड का तो मौसम भी चला गया, अब कौन सी ठंड है? ये तो बुद्ध भगवान है ना। क्या बोल? तो गाइज ये है जीसस क्राइस्ट, ऐसे करके बोलना चाहिए। और ये कौन सी कंट्री में है ऐसी, अभी मैं देख के बताता हूँ बोर्ड पर, रियो दे जनेरियो ब्राजील। रुक जा लड़कियां भी आएंगी, रुक जा। ये कह रहा है कि रुक जा लड़कियां। इतनी जल्दी जल्दी मत चल, धीरे धीरे लड़कियां देखते हुए चल। जवान लोंडो के साथ आने का ना यही नुकसान है, यही नुकसान हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है ना। चलो आपको आगे दिखाते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पर। और काफी रास्ता भी ना काफी अच्छा बनाया हुआ है, लाइटिंग जो है ना लैम्प वैम्प से भी लग रहे हैं ना, तो काफी रास्ता अच्छा है। तो अभी हम आ चुके हैं लाल किले के पास। लाल किला जो है सच में ही लाल बना दिया, मतलब लोहे का लाल किला, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। काफी सही है, कैसा लग रहा है, सुंदर है ना वैसे? बढ़िया, ये असली वाले से तो ज्यादा अच्छा है। हाँ वो भी वैसे अभी मैं 2-3 दिन पहले ही गया था लाल किला, जामा मस्जिद खा पी के आया हूँ। और शेप थोड़ी अलग सी लग रही है, ये अलग बनाया क्या कोई नया लाल किला? नहीं वर्जन दूसरा है। अच्छा अपडेट हो गया। क्या बोल रहे हो आंटी जी, इधर तो देख के बोलो क्या बता रहे हो। ताजमहल है, अरे यार हमें तो लगा लाल किला है, मैं कहा लाल लाल सा है तो मैं कहा लाल किला ही होएगा।
अरे यार आंटी ने आप बताया कि ये ताजमहल है, लाल किला नहीं है, तो क्या हो गया अब? ताजमहल कह दो, फिर से लेना पड़ेगा शॉट। तो गाइज ये है ताजमहल। अभी यश बताएगा कि ताजमहल की हिस्ट्री क्या रही है। वैसे किसकी याद में बना था ये? मुमताज की याद में बना था, और शाहजहां ने फिर ये ताजमहल बनवा के हाथ कटवा दिए थे। हाथ कटवा दिए, मतलब दो दो चीज कटी हुई। मतलब तो तो अभी हम एक और मॉन्यूमेंट के पास आ चुके हैं। हमारे सामने मॉन्यूमेंट है भाई। कौन, क्या है ये? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट है ऑफ इंडिया। अच्छा नया बनाया ना पार्लियामेंट। अच्छा नया बनाया है। अच्छा तो यहाँ से जाते होंगे नेता वगैरह, ये रास्ते से बन रहे हैं। रास्ते से बन रहे हैं। हाँ सही है। वैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्या है ये? कोलोजियम है यार, ये कोलोजियम। इस मॉन्यूमेंट का नाम है कोलोजियम। इसकी हिस्ट्री भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। ये लोकेटेड है रोम इटली में। टेंपल ऑफ पीस भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे ये डायनासोर की तरह ये गाड़ी भी लगाई हुई है इसके बीच, मतलब गाड़ी यूज करके ये डायनासोर्स बना रखा है। ये मुझे सबसे पहला वेस्ट लगा, जो मतलब जो यूज में अच्छे से, ये पहला वेस्ट लग रहा है। ये गाड़ी ऊपर से फिर ये लोहे का ये बना रखा है, ये पूरा डायनासोर। और वहाँ पे जो डायनासोर है वो तो आवाज़ भी निकाल रहा है, थोड़ा म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा। और ये वाला वुडन है, ये वाला वो वुड से बनाया हुआ है ये वाला। देखते हैं इसको पास जाके कैसा है। ये लकड़ी की ही है और यह लोहे का स्ट्रक्चर है इसका। ये सरिये लगे हुए हैं। इसका एक्चुअल नेम जो है वो है स्टीगोसोरस। ये देखो भाई, जिराफ चढ़ रहा है अब डायनासोर पे। पहली बार देखा होगा तुमने, ये जिराफ डायनासोर पे चढ़ रहा है। ये चढ़ गया, ये बन गया जीसस क्राइस्ट। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, हमें लग रहा था वहां पे खत्म हो गया, लेकिन अभी तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बने हुए हैं ये डायनासोर्स। ये पूरा एरिया डायनासोर्स का हो गया। यहाँ पे है ये थोड़ा फूड कोर्ट सा बना रखा है शायद। हाँ यहाँ पे आइसक्रीम्स हैं और शेक्स हैं। अभी चलते हैं उधर, क्या क्या है आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर खाने में है वेज मोमोज 130 रुपीज, पनीर मोमोज 150। ये है यहाँ का खाने का प्राइस। सही है, खाने में सारी चीज़ें और पॉपकॉर्न्स भी हैं यहाँ पे, और कॉफ़ी और आइसक्रीम भी है। अभी तो और काफ़ी, मतलब पार्क काफ़ी बड़ा है ये। वैसे सही है, ये काफ़ी सबसे बड़ा डायनासोर अभी तक मुझे यही दिखाई दिया यहाँ पे। अभी आगे चल के देखते हैं। और ये भी लग रहा है अच्छे वेस्ट से बनाया गया। यहाँ पे कुछ और मटेरियल भी लगा हुआ है, ये सफ़ेद सा ये वाला पार्ट अच्छा लग रहा है कि वेस्ट पूरा बना हुआ है। स्प्रिंग्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये क्रोकोडाइल भी बना रखा है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। और ये है यहाँ पर ब्रिज देख सकते हो आप, यहाँ पे पानी बह रहा है। सही है, थोड़ी सी ऋषिकेश जैसी वाइब्स आ रही हैं वैसे, है ना? ऋषिकेश जैसा लग रहा है थोड़ा, मतलब पानी की आवाज़ें, ये नेचर इतना हरा भरा, मतलब मन कर ही गया कि ऋषिकेश जाने का अगर बजट कम है। हर चीज़ का हमने बजट बना दिया है कि अगर बजट कम है तो सब चीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन यार ऐसी चीज़ें मत करा करो। ये देखो बोतल तैर रही है, किसी ने बोतल फेंक दी नदी में, आर्टिफिशियल नदी में बोतल फेंक दी। गंदा लग रहा था कि बोतल, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और हाँ छपरी ऐसी करते हैं।